नमस्कार, मैं वृंदा सिंघल। मैं सुजागी बंसल। आज हम आपको पक्षी के मन की बात सुनाएंगे। मुझे भी वहाँ जाना है जहाँ का दृश्य इतना सुहाना है। ना ना बेटी ना, तुम वहाँ नहीं जाओगी। ये दुनिया अब हमारे लिए नहीं, अब हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं। ये कलयुग के धरती वाले हैं बहुत तुष्ट हैं। ऐसे क्यों कह रहे हो माँ, वे तो बहुत अच्छे दिखते हैं। आपकी बातों से तो जैसे वे हमें मारेंगे। नहीं बेटी नहीं, वे खुद हमें नहीं मारेंगे। उनके कर्मों के आगे हार कर हम खुद ही मर जाएंगे, इसीलिए तुम उनकी ओर आकर्षित ना होना, वरना पड़ेगा जीवन खोना। नहीं माँ, मुझे तो वे अभी दिखते हैं इतने प्यारे, जैसे खिले हो धरती पर रंग बिरंगे गुब्बारे। जीवन के असल अर्थ को छोड़ स्वार्थ के दलदल में फंस चुके हैं। इन्हें सिर्फ अपने सुख की चिंता है, इसलिए आज मनुष्य में राक्षस जिंदा है। तरक्की की आड़ में कर रहे हैं खिलवाड़, प्रकृति को कर रहे हैं नष्ट, उसकी सुंदरता पर कर कर वार। जाने कैसे बचेगा यह संसार, तुम ही सोचो और समझो। इनके इस एडवांस नेटवर्क वाली दुनिया में हमारी कोई जगह नहीं। अब हमारी इनके साथ जीने की कोई वजह नहीं। अब हम लुप्त होते जा रहे हैं। क्या हुआ, कहाँ चली? माँ, मुझे ये सुंदर नगरी लगती है भली, मुझे इसकी पहली है रानी। लौट कर सुनूंगी आपकी अधूरी। नहीं बेटी नहीं, रुको। धन्यवाद।